पॉइंट देखते हैं हम, अभी हम लीवरेज पे ही डिस्कस करेंगे। चलिए आ जाइए अगेन फॉर्मेट को। अब जो आपको एग्जाम में फॉलो करना है अगर आता है, कैसे करना है, जिस तरीके से अभी हम लिखेंगे वही फॉलो करके चलना है, ठीक है ना। फॉर्मेट में बिल्कुल बना के चल रहा हूं। अमाउंट आ गया, पर्टिकुलर आ गया, ठीक है। एक एग्जाम्पल मैं लिख लेता हूं, एग्जाम्पल लिख लिया मैंने, एक्स वाई जेड लिमिटेड है जिसका सेल्स है 10,000 रुपए, कॉन्ट्रीब्यूशन या प्रॉफिट है, वेरिएबल कॉस्ट है 30%, फिक्स कॉस्ट है 2,000, इंटरेस्ट है 1,000, कैलकुलेट, कैलकुलेट डिफरेंट टाइप ऑफ लीवरेज। अब डिफरेंट टाइप ऑफ लीवरेज की बात कर रहे हो सर, तो आप बता दो कितने टाइप के लीवरेज मैंने अभी सीखे हैं। सर लीवरेज डिफरेंट की बात करें तो कितने टाइप होंगे? सर तीन टाइप के होंगे, एक कौन सा होगा, एक कौन सा होगा और एक कौन सा होगा कंबाइन। ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंसिंग लीवरेज, कंबाइन। और इसको डिग्री लीवरेज को ना डिग्री के टर्म्स में नापते हैं, तो इन सभी के आगे मैं डी लगा देता हूं और आप भी डिग्री ऑफ कंबाइन लीवरेज लिख सकते हैं। और ये ना DOL, DFL और ये स्टैंडर्ड वर्ड है, आप एग्जाम में भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं लिखा जाएगा, आप लिख सकते हो। जैसे EPS, EBIT, ये सारे मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखे हैं, लेकिन शॉर्ट फॉर्म वैलिड है हमारे एग्जाम के लिए, इसलिए मैं यहाँ पे लिख के चल रहा हूँ, ठीक है। अब हमें निकालना है, सबसे पहले क्या लेंगे हम, सेल्स। सेल्स कितने का है? 10,000। इसके बाद क्या माइनस करें हम? वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितने? 30%। हमेशा याद रखना, जब कभी किसी भी सेल्स के आगे या प्रॉफिट के आगे ये नहीं बताता कि किसका परसेंटेज, वेरिएबल कॉस्ट या प्रॉफिट के आगे ये नहीं बताता किसका परसेंटेज है, तो क्या अजम्पशन लेते हैं? सेल का ही होगा वो, ठीक है। तो परसेंटेज यहाँ पे कैसे निकालेंगे सर? 10,000 इंटू में 30%, और ये आ गया हमारा 3,000। इसको क्या नाम देंगे? कॉन्ट्रीब्यूशन। इसको क्या नाम देंगे? कॉन्ट्रीब्यूशन। सर कॉन्ट्रीब्यूशन क्या आ गया? 7,000। इसके बाद आगे देखा जाए, इसमें से क्या माइनस कर दें? सर फिक्स्ड कॉस्ट। क्या माइनस करें? फिक्स्ड कॉस्ट। कितने रुपए? 2,000। तो इसको क्या नाम देंगे? क्या नाम देंगे? EBIT। कितने आ गए? 5,000। इसके बाद हम क्या माइनस करेंगे? माइनस करेंगे हम इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितने परसेंट? 1,000 दे दिया तो सीधा 1,000। तो जो अब रिजल्ट आएगा क्या आ जाएगा? EBT। अगर मैं सवाल में टैक्स भी दे दूं, टैक्स 30%। अब मुझे बताइए, लीवरेज निकालने में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का कोई यूज है क्या? नहीं है। तब भी आपको इतना ही आंसर करके फिर आगे निकालना है, ठीक है। अब इसके बाद डिफरेंट लीवरेज है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बड़ी सिंपल सी बात है, मैं इसको एक कलर का कर देते हैं सबको।
चलिए सर, अब ध्यान दीजिए। सबसे पहले निकालेंगे डी ओ एल। आप या तो एग्जाम में ऐसे कर सकते हैं, इसको नाम दे दीजिए ए, इसको नाम दे दीजिए बी, और इसको नाम दे दीजिए सी। एक तो ये ऑप्शन है। तो डी ओ एल का मैं फॉर्मूला एक ये भी लिख सकता हूं क्या, ए अपॉन में, ठीक है, या फिर आपको पता ही है इसको क्या बोलते हैं हम, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। आपको कैलकुलेटर अलाउड है एग्जाम में, आप डायरेक्ट कहीं कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, यहीं कैलकुलेट कर देंगे। दैट इज क्या आएगा, 7000 डिवाइडेड बाय 5000। क्या आया आंसर, 7000 डिवाइडेड बाय 5000, 1.4। इसी के सामने आंसर दे दिया, एक ही स्टेटमेंट है, नो नीड टू के एक्स्ट्रा वर्किंग नोट करो, फॉर्मूला भी यही दिखा दिया एग्जामिनर को, आंसर भी यही चल रहा है। दूसरा क्या निकालेंगे, डी एफ एल। क्या होता है डी एफ एल बताना एक बार, डी एफ एल क्या होता है, डिग्री डिग्री डिग्री, डी एफ एल क्या होता है, बच्चों ने जवाब दे भी दिया है। डी एफ एल क्या होता है, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। मेरे साथ जितने भी बच्चे लाइव है ना, साथ के साथ मन में भी रिविजन करो, अब मैं बोलता हूं तो बोलो, ताकि आपको ना थोड़ा सा रिमाइंड रहे। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज इसको कैसे बता सकते हैं सर, इस शॉर्ट फॉर्म में क्या हो सकता है, कोई बताएगा मुझे, क्या होगा, बी अपॉन में सी, ठीक है। इसका मतलब सर ई बी आई टी डिवाइडेड बाय ई बी टी, ठीक है, और इसी को सॉल्व करें तो क्या होगा हमारा, 5000 डिवाइडेड बाय 4000, ये आ गया 1. ठीक है, यानी जो है ना हमारा रिस्क फैक्टर, ये 4, यानी 40% हमारा रिस्क फैक्टर है। आप ध्यान से देखिए, आपका ऑपरेटिंग लीवरेज किसके बीच में था, 5000 और 7000 के बीच में, 2000 है। आप अगर 2000 रुपए प्रॉफिट का निकालिए, प्रॉफिट का 2000 कितने परसेंट के बराबर होता है, मैंने बोला कि हमारा 5000 प्रॉफिट है, इसमें 2000 तो मेरा ब्याज माइनस करने के बाद है, ठीक है, अब प्रॉफिट से कंपेयर करिए तो कितने परसेंट है। तो आप सिंपल सी बात बोलेंगे सर, 2000 डिवाइडेड बाय 5000 इंटू 100 यानी 40%। अब ये 1.4 पता है क्या, ये परसेंटेज शो करता है अल्टीमेटली, यानी हम जितना भी पैसा कमाते हैं ना, और उसके अंदर हमारा 40% रिस्क है, प्रॉफिट का 40% हमारा रिस्क है। अगर ऑपरेटिंग लीवरेज बात कर रहे हो तो 40% रिस्क किसका है सर, फिक्स कॉस्ट का है। अगर मुझे, क्योंकि ये मैनेजमेंट लेवल पे सीख रहे हो, तो मैनेजमेंट लेवल पे पता है क्या होता है, आप इतना सारा कुछ थोड़ी निकालोगे, आपको डेटा होता है, डेटा निकालते ही क्विक जवाब। मैंने किसी से पूछा, भाई डीओएल बता, मैं मैनेजमेंट और सबसे टॉप लेवल पे बैठे होते हैं ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होते हैं ना, सबसे टॉप अकाउंटेंट वगैरह सीए वगैरह, ये सीधा सीएफओ वगैरह होते हैं, बोलते हैं भाई डीओएल क्या है, उसने बोला सर डीओएल 2 है। मैंने कहा यार प्रॉफिट का तो डबल रिस्क चल रहा है यहाँ पे, तो दो हो गया ना, एक तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है, दो बता दिया तो रिस्क तो 100% है, तो रिस्क ही बहुत ज्यादा है। अब किसी ने बोला कि सर 1.1 है, चल 10% का रिस्क ले ले, समझ में आ रहा है, ऐसे फैसले लिए जाते हैं। हम जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे तो और डिटेलिंग आपको पता चल जाएगा, बहुत बेसिक है। और यकीन मानो जो मैंने ये सवाल लिखा है ना, ऐसे ऐसे सवाल आप बुक में भी दिखा दूंगा, लास्ट ईयर में भी दिखा दूंगा, यही क्वेश्चन 7-7 नंबर में पूछे जाते हैं, और इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। मैं तो आपको पूरा डिटेल में लेके जाऊंगा कि क्या क्या चीजें होता है, लेकिन बुक में इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। तीनों लीवरेज पूछते 7 नंबर, पिछले साल के बीकॉम प्रोग्राम में, ऑनर्स में, सब में यही क्वेश्चन पूछा गया था। बस आपको बेसिकली फॉर्मूला, और बच्चे ये भी फॉर्मूला याद नहीं करते, छोड़ के आ जाते हैं क्वेश्चन। अब देखो लास्ट कौन सा है हमारा, DCL, क्या हो गया, डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज। क्या कह सकते हैं इसको, ए अपॉन में सी, और दूसरा एक और फॉर्मूला हो सकता है इसका, देखो क्या हो सकता है, डी ओ एल इंटू में डी एफ एल भी कर दोगे तो चलेगा, मैंने मल्टीप्लाई करके दिखाया था वहां पे, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, रिस्क की फैक्टर निकाल लेते हैं, 1.4 इंटू में 1.25, आंसर 1.75 आ रहा है, यानी 75%, दोनों को मिला के 75% का रिस्क है। 75% का किसका रिस्क है सर, इंटरेस्ट और फिक्स कॉस्ट का, दोनों को मिला के। प्रॉफिट कितना था हमारा, 5000, और 5000 पे आपका रिस्क कितना हो गया, 2001 3000, तो 5000 का 3000 कितना होता है,
5,000 का अगर आप 75% निकालोगे तो उसके हिसाब से हमारा जो है 1% के ऊपर बैठ जाता है वो, ठीक है ना। तो अब आप इसको ऐसे भी निकाल लो, चाहे ए अपॉन में सी, यानी सर कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है 7,000 डिवाइडेड बाय क्या बताया था आपने, सी कर दो 4,000, तो देखो आपका आंसर 1.75 आएगा। तो अगर आपसे डीसीएल पूछा जाए ना, तो डीसीएल में आप ना फॉर्मूले से मत लिखो, आप दोनों के जो आंसर है उसको क्या कर दो, कंबाइन कर दो। ये क्या था हमारा एग्जाम में करने का तरीका। अगर आपको दूसरे मेथड से करना है तो यहां तक आप सॉल्यूशन करिए, यहां पे पहले लिखिए क्या मैंने 10 ईयर में जैसे मैंने सॉल्यूशन डाला है, यहां पे लिखिए क्या ऑपरेटिंग लीवरेज और फॉर्मूला फिर आंसर, फिर क्या लिखिए आप फाइनेंसिंग लीवरेज फॉर्मूला फिर आंसर, फिर क्या लिखिए आप कंबाइन लीवरेज फॉर्मूला आंसर। ये आपने स्टेटमेंट बना ली और इधर आंसर दे दिया 7 नंबर में, ज्यादा टाइम इसमें एग्जाम में नहीं लगना होता। समझ में आई बात आपको? यानी सर अभी तक हमने क्या सीखा, फाइनेंशियल लीवरेज, सॉरी अभी तक लीवरेज में क्या सीखा सर, लीवरेज का मतलब होता है कम एफर्ट लगा के रिजल्ट बहुत ज्यादा ले लेना। बिल्कुल सही जवाब सर। लीवरेज के अंदर हमने देखा कि हमें डिफरेंट टाइप के लीवरेज निकालने होंगे, व्हेन वन ईयर डेटा गिवन, व्हेन वन ईयर डेटा गिवन, हमने देखा सर डिफरेंट टाइप के लीवरेज निकालने होंगे। कितने लीवरेज निकालने होंगे सर? नंबर वन डिग्री ऑफ, बताओ डिग्री ऑफ, तो इसे DOL कह दे। दूसरा डिग्री ऑफ, बोलो फाइनेंशियल लीवरेज। तीसरा डिग्री ऑफ कंबाइन लीवरेज DCL, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, डिग्री ऑफ कंबाइन लीवरेज। सर इसका फॉर्मूला क्या था, कौन बताएगा फॉर्मूला? ऑपरेटिंग लीवरेज, आप दिमाग में फॉर्मेट रखो, और सिंपल सी बात है ऊपर वाला टेबल डिवाइडेड बाय नीचे वाला टेबल, सिंपल सी बात है ऊपर वाला डिवाइडेड बाय नीचे वाला, याद रखने का सिंपल, क्योंकि बच्चा ना भूल जाता है यार कंट्रीब्यूशन ऊपर रखना था कि ईबीआईटी रखना था। तो आपको सिंपल से याद रखना है ऊपर वाला टेबल से नीचे वाला करना है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा सर, फॉर्मूला बन जाएगा हमारे यहां पे क्या, कंट्रीब्यूशन ऊपर में क्या था, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, इसमें परसेंटेज नहीं लगता ध्यान रखिएगा, ठीक है। DFL का फॉर्मूला क्या बनेगा, EBIT और अपॉन में EBT, और इसका तो मल्टीप्लाई कर दो, यही लिख देता हूँ DOL इंटू में DFL लिख देता हूँ, ठीक है। ये तीनों दोनों का फॉर्मूला बन जाता है। अब हम जो मैं पहले लिख रहा था शायद अब आपको थोड़ा थोड़ा ये समझ में आने लगेगा कि सर वाई आपने ऑपरेटिंग लीवरेज में फिक्स कॉस्ट लिखा, क्योंकि आप समझ पा रहे होंगे कि ऑपरेटिंग लीवरेज निकालने में फिक्स कॉस्ट ही इन्वॉल्व होता है, और उसी का एक परसेंटेज या उसी का एक हमें टर्म्स पता चल पाता है। इसके बाद हमने देखा कि फाइनेंसिंग में क्या होता है, हमारा फाइनेंसिंग में सिर्फ क्या इन्वॉल्व होगा, इंटरेस्ट इन्वॉल्व होगा, और कंबाइन में दोनों इन्वॉल्व होगा, ठीक है। एक हमने एग्जाम्पल भी देख लिया, एग्जाम्पल के साथ साथ हमने इसको आगे कंटिन्यू भी किया।